हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपने बिलीबिली वेबसाइट पे आप मूवी को कैसे देख सकते हो। जब आप मूवी को सर्च करते हो तो जब आप मूवी को प्ले करते हो तो कुछ इस टाइप का आपको इरर शो करता है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट द कॉपीराइट ओनर दिस फिल्म इज़ नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप इस इशू को कैसे सॉल्व करें। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओपन माइक्रोसॉफ्ट इज एडवांस इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एक वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्री वीपीएन। सेफम वीपीएन नाम का आएगा एक, यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है ये सेफम वीपीएन, इसको क्लिक करके यहाँ पे गेट का ऑप्शन आएगा। गेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक से दो सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा और आपके एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मेरा एक्सटेंशन के लिए। यहाँ पे मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं ये जो मूवी है मेरी, ये अभी मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो मैंने इसको रिफ्रेश मारा फिर ये मुझे ये ऐसा एरर आ रहा है। तो क्या करना है, आपको एक्सटेंशन पर क्लिक करना है, सेफम वीपीएन पे ओपन कर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको सिंगापुर सेलेक्ट कर लेना है। सिंगापुर सेलेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट कर देना है। ये मेरा कनेक्ट हो गया है सिंगापुर से। अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ये मेरा वेबसाइट जो है बिलीबिली का अभी मूवी शो हो जाएगी। इंटरनेट इशू है मेरा। आपको जैसे स्टेप मैंने बताया बस वैसे ही फॉलो करना है। आपको एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको एक वीपीएन का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंगापुर जो वीपीएन है वो कनेक्ट कर लेना है। तो ये मेरी ये मूवी ये चलने लगी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आपको।